आज मैं पहुंचा हूं बांसल एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स नाभा पंजाब में। किसान भाइयों, आपने हार्वेस्टर की वीडियो तो बहुत देखी है, मगर आज मैं जो आपके लिए हार्वेस्टर लेकर आया हूं वो सबसे अलग है और सबसे बढ़िया है और सबसे खास होने वाली है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डाइकर 748 हार्वेस्टर। इसकी खूबियां दोस्तों बताता हूँ तो काफ़ी वीडियो लंबी बनेगी। आज आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो इसकी खूबी भी, इसमें आपको BS4 इंजन मिलने वाला है और इसको लेने के लिए आपको मात्र 3-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 3-4 लाख रुपए देकर आप इस हार्वेस्टर को घर लेकर जा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस हार्वेस्टर की खूबियों के बारे में। सबसे पहले मैं इसके फीडर की बात करना चाहूँगा। जो फीडर देख रहे हैं, जैसे आप बड़ी हार्वेस्टर में देखते हैं, जैसे कि बड़ी कंपनी की हार्वेस्टर देखते हैं, जैसे कि न्यू होलैंड की बात करें या सोनालिका कंपनी की हार्वेस्टर की बात करें, उसमें सीट लगी होती है, वही आपको इसमें सीट मिलने वाली है। और इसका कलर भी वैसे में आपको देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसमें कलर डिज़ाइन किया गया। इसका कलर भी 2K पेंट इसमें तैयार किया गया है। और फीडर में, जैसे मैं फीडर की बात कर रहा हूँ, तो फीडर देख सकते हैं दोस्तों, डिज़ाइनिंग फीडर दिया गया है। एक आदमी इसको कटर को आसानी से फिट कर सकते हैं। जैक की बात करें, 45 mm को इसमें आपको जैक मिलने वाले हैं। और उसके बाद आगे से डिज़ाइन देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं जैसे खड़ गया, इसका जो बेड है ऊपर से देख रहे हैं जी, काफ़ी ऊंचा दिया गया है और उससे मुकाबले काफ़ी आपको ऊंचा देखने को मिलेगा। अगर आपने इसका मशीन का काम वगैरह करना है नीचे से तो आसानी से कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी बढ़िया कंपनी का मास्टर सेट दिया गया जो हैवी है, पूरा कफ से सबसे बढ़िया लगाया गया है इसमें। दोस्तों टायरों की बात करें तो इसमें आपको 18-4-30 के टायर देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें गुडजोर के BKT में या MRP में लेना चाहते हैं तो बोल ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। काफ़ी बढ़िया इसमें आपको ब्लोअर सिस्टम मिलने वाला है, ड्राइवर को धूल मिट्टी से बचाता है। और ब्रांड कंपैन, लग्जरी कंपैन, जैसे लग्जरी का नाम ले देते हैं वैसे लग्जरी हार्वेस्टर है दोस्तों जी। और मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कैसे लग रही है। यहाँ पे खोलने का सिस्टम बहुत बढ़िया दिया गया है इन्होंने। यहाँ से आसानी से एक आदमी इसको खोल सकता है, आसानी से इसको बंद कर सकता है। और एलिवेटर की बात करें वो भी काफ़ी बढ़िया एलिवेटर दिया गया है, नीचे से ऊपर तक आप देख सकते हैं। और इसमें जितनी सीट लगी है एलिवेटर में नीचे, वो आपको स्टील की देखने मिलेगी, चाहे आप एलिवेटर के नीचे की निकालो, चाहे फीडर के आगे जो नीचे सीट लगी हुई है, मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ, जे वाली सीट जो दी गई है, नीचे वाली सीट है जो, वो भी आपको स्टील की मिलने वाली है। और ग्रेन टैंक की सीट है दोस्तों, वो भी आपको स्टील की मिलने वाली है। और आगे आपको गियर की बात करें तो 4 स्पीड में आपको गियर मिलने वाला है। और इसमें आपको 4x4 का सिस्टम दिया गया है अलग से, अगर आपने कल को इसको 4x4 बनाना है तो वो आप आसानी से बना सकते हैं। एयर टैंक की बात करें, काफ़ी बढ़िया आपको एयर टैंक मिलने वाला है। और सीएट कंपनी का अलग से आपको स्पेस टिप दी गई है, टायर दिया गया है अलग से, और ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी बढ़िया सीढ़ी दी गई है दोस्तों। और उसके बाद डीजल टैंक की बात करें तो 350-400 लीटर का इसमें डीजल डाल सकते हैं। और साइड में आपको पैप देखने को मिलेगा, किसान को पता चलता रहता है डीजल हार्वेस्ट में कितना डाल चुके हैं। और पीछे हिस्से की बात करें तो काफ़ी बढ़िया मजबूत हिस्सा इसमें दिया गया है। मोरनियाँ वो भी आपको काफ़ी मोटी मोरनियाँ देखने को मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। और स्टार वॉकर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको स्टार वॉकर की बात करें तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें 5 स्टार वॉकर दिए गए हैं दोस्तों। और जो सीफे हैं वो भी आपको काफ़ी बड़ी सीफे दी गई हैं, पीछे आगे बड़ी 1828 की आपको सीट मिलने वाली हैं। यहाँ पर पटा दिया गया है दाने की सफाई के लिए, आप सफाई करना चाहते हो सीफ की यहाँ से कर सकते हैं। हिस्सा है वो भी काफ़ी मजबूत दिया गया है। और पीछे आपको कटर की बात करें तो जो इसमें कटर मिलने वाला है, इसके कटर की बात करें तो 14 फीट का इसमें कटर रहने वाला है। और कटर भी दोस्तों आपको मोटर वाला कटर मिलने वाला है, जो दूसरे कटर होते हैं उसमें ब्लेड टूटने की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, मगर इसमें आपको ब्लेड टूटने की दिक्कत नहीं आने वाली। जो टैन भी है वो भी आपको 5 mm मोटी और 11 इंच लंबी आपको टैन मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया मजबूत टैन दी गई है। अगर आपने ट्रॉली में सामान रखना है वो आपको नीचे ट्रॉली मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया ट्रॉली तैयार की गई है। पीछे से आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ी लाइटें लगाई गई हैं। रात को आप अगर इस हार्वेस्टर को लेकर जा रहे हैं तो पीछे आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा रात को सफ़र करने के लिए, पता चलता रहता है दोस्तों। और एक बात आपको और जहाँ पे बताना चाहता हूँ कटर में, कि अगर आपने कटर की बेल्ट की चेंज करनी है, बेल्ट चेंज करनी है या कटर को घुमाना है तो आप यहीं से घुमा सकते हैं। यहाँ पर होल दिए गए हैं इसको घुमाने के लिए, एक आदमी इसको आसानी से घुमा सकता है। अगर आपने बेल्ट चेंज करें तो एक आदमी चला दोस्तों बेल्ट चेंज कर सकता है। और उसके बाद काफ़ी बढ़िया लाइटें दी गई हैं, उसको बढ़िया कवर किया गया है। बैटरी बॉक्स है वो भी काफ़ी बढ़िया, इसमें आपको डबल बैटरी बॉक्स मिलने वाला है और काफ़ी चोरी होने की दिक्कत नहीं दोस्तों आने वाली। बढ़िया टूल मिलने वाला है दोस्तों, और अगर आप ऊपर सामान रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। आपको साइड पर खोल कर दिखाना चाहता हूँ। चेंजर की बात करें तो
जीरो बैलेंस का चेंजर है दोस्तों, काफ़ी मोटी इसमें बेल्टी मिलने वाली हैं, और जो जैक दिया गया इसमें, जो औरों में जैक आते हैं, ये आपको इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो औरों में आते हैं वो 22 mm मोटे होते हैं, हमारे इसमें आपको 28 mm मोटा आपको जैक मिलने वाला है, ये चेंजर वाला काफ़ी बढ़िया मजबूत जैक दिया गया है। और बैरिंग असेंबली की बात करें, सभी हार्वेस्टर में आप 7 नंबर बैरिंग देखते हो, तो इसमें भी कंपनी ने 7 नंबर की बैरिंग असेंबली दी गई है। अगर आपने बैरिंग वगैरह चेंज करना है तो आपको मार्केट में कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको आसानी से 7 नंबर की बैरिंग मिल जाती हैं। जितनी भी बैरिंग असेंबली है वो सारी 7 नंबर की है। चासी आपको काफ़ी हैवी तैयार की गई है, अगर आपने हार्वेस्टर पे काम करना है तो आसानी से आप खड़कर यहाँ से काम कर सकते हैं ऊपर चढ़कर। और इंजन है दोस्तों इसमें वो VS4 इंजन है, वो आपको ऊपर चढ़ के दिखाऊंगा मैं। उसके बाद ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, वो आपके एडजस्टेबल है, अगर इसको आप इकट्ठा कर सकते हो, कहीं पास से निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो ऊपर चढ़कर दिखाते हैं दोस्तों कैसे लग रही है। दोस्तों हम ऊपर आ गए थे, जैसे हम ऊपर पहुंचे ऊपर देख सकते हैं बैठने में बहुत कंफर्टेबल मशीन है दोस्तों। जैसे दोस्तों आपको लग्जरी गाड़ियों में आपको सिस्टम मिलता है वैसे ही मिलने वाला है, ये बात बोलने की नहीं है, मैं बोलता हूँ सच में। यहाँ तो पहले तो पैर की रेंज की बात करें, वो भी आपको नीचे मिलने वाली है पैर पाँव में, जो आपको किसी हार्वेस्टर में नहीं देखने को मिलेगी। और स्टेयरिंग है वो आपको एडजस्टेबल है, आपको इसको आगे पीछे करना चाहता हो, जैसे भी आपको इसको चलाना चाहते हैं हार्वेस्टर को, स्टेयरिंग को वो कर सकते हैं। लग्जरी गाड़ी की जैसे आपको यहाँ पे पासिंग का सिस्टम दिया गया है, इसमें आपको LED सिस्टम मिलने वाला है, आपको सभी मशीन की वर्किंग यहाँ की आपको पता चलती रहती है। अगर आपको मशीन को हाई से हाई चलाना चाहते हैं, लो से लो चलाना सकते हैं, तो आप यहाँ से चला सकते हैं। और लीवर हैं वो सभी आपको पास में मिलने वाले हैं। हेल्पर के लिए काफ़ी बड़ी सीट दी गई है, बड़े शीशे आपको दोनों साइड मिलने वाले हैं, आगे आपको बड़ा शीशा मिलने वाला है। म्यूजिक कंपनी सिस्टम आपको कंपनी के साथ में लगा कर दे रही है। यहाँ पर फायर का आपको सिस्टम मिलने वाला है दोस्तों। अब आगे इंजन की बात, जैसे मैंने VS4 की इंजन की बात की थी, और नीचे से देख सकते हैं जहाँ आपको जितने भी लीवर हैं वो आपको सभी पास में मिलेंगे, कटर के, चैम्बर के, फ्लैट के। तो एक बार मैं आपको उसके बाद आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, इसका जो इंजन है, और साइड पे जाने के लिए भी काफ़ी बढ़िया सेटिंग जहाँ पर साइड दी गई है ऊपर जान चढ़ने के लिए, अपन अगर उग्र फिट करना है तो वो भी काफ़ी बढ़िया दिया गया इसमें। तो जैसे ही ऊपर लाइटें दी गई हैं उग्र के लिए काम कर रहा है, जैसे बंदा टैंकी है वो भी काफ़ी बड़ी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इंजन देख सकते हैं, VS4 इंजन है दोस्तों जी, जो सभी सिस्टर इसमें जो प्रदूषण रहित जो नए इंजन आ रहे हैं अभी VS4 में आ रहे हैं दोस्तों। और ऊपर चढ़ने के लिए, पार करने के लिए काफ़ी बढ़िया इसमें ऊपर सीढ़ी दी गई है, और यहाँ पे लिथियम सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों, जिससे ये मशीन VS4 की जो पहचान रहती है, काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है ये भी। और उसके बाद अगर पर चेंजर का काम करना है नीचे से, तो आप ऊपर से यहाँ से कर सकते हैं। किसान भाइयों इसका पहले पूछ रहे थे प्राइस के बारे में, इसका जो प्राइस रहता है दोस्तों वो इसमें आप फाइनेंस की जो सुविधा है वो आपको इसमें 50 से लेकर 90% दोस्तों इसमें फाइनेंस हो जाता है। इसका जो प्राइस रहता है दोस्तों 22,50,000 इसका प्राइस रहता है, और इस पर लगभग 20 लाख तक इसमें लोन हो जाता है दोस्तों, 18-20 लाख तक इसमें इस मशीन में लोन हो जाता है। आप इस मशीन को आसानी से खरीद सकते हैं, EMI से खरीद सकते हैं। और किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और एक इस अगर आप ये मशीन को लेना चाहते हैं तो कंपनी के नंबर हैं वो स्क्रीन पे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और ये मशीन है जो भारत सरकार द्वारा पास है, जैसे ही आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जी देख सकते हैं CMBVR टेस्टेड, हिसार गवर्नमेंट से टेस्टेड है जी, पास है। और दोस्तों वीडियो लंबी ना बने, तो प्राइस है इसका जो 22,50,000 रहेगा, और सभी बैरिंग असेंबली इसमें 7 नंबर की रहेगी, VS4 इंजन में है, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, सब्सिडी आपके राज्य में अगर उपलब्ध है तो आप इसमें सब्सिडी ले सकते हैं। और दोस्तों कंपनी के नंबर हैं स्क्रीन पर मिल रहे हैं, वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, इनसे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किसान भाइयों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।